नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। हमारे पास है ये 7 kg LG की टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और हमने हमारी लास्ट वीडियो में इसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए टब क्लीन को एक्सप्लेन किया था, और आज के इस वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अगर आपके धोने वाले कपड़ों में मैल ज़्यादा है तो आपको इसके अंदर दिए हुए 8 मोड्स में से कौन सा मोड यूज़ करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा मैल वाले कपड़ों को हाथ से धोते हैं तो उसके लिए दो तरीके अपनाते हैं। या तो हम उन कपड़ों को 15 से 20 मिनट के लिए सर्फ में भिगो देते हैं, और दूसरा हम साबुन लगा के ब्रश से कपड़ों को धोते हैं, फिर भी मैल ना निकले तो दोबारा साबुन लगा के कपड़ों को ब्रश से धोते हैं। यानी ज़्यादा मैल वाले कपड़ों को या तो पहले भिगोइए या फिर ज़्यादा समय के लिए उसको धोइए। सो मशीन में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पर एक बटन है सोयल लेवल, तो अगर आपके कपड़ों में मैल ज़्यादा है तो इसको आप हैवी पे कर दीजिए। दूसरा, वॉशिंग टाइम, जैसे इसमें 10 मिनट दिखा रखा है, कपड़ों में मैल ज़्यादा है तो आप इस वॉशिंग टाइम को बढ़ा दीजिए। तीसरा, इसके अंदर आप मशीन में कपड़े धोने से पहले उनको कुछ टाइम के लिए भिगो के रखिए। सो दोस्तों, कपड़े भिगोने के लिए इस वॉशिंग मशीन के कीपैड पर कोई बटन नहीं है, लेकिन ये जो फंक्शन स्क्रीन है यहाँ पर सोप यानी भिगोने वाला फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन दिया हुआ है लेकिन बटन नहीं है। सो दोस्तों, ये हिडन फंक्शन है इसका, इसको वॉश बटन से ही हम लगाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको सोप मोड लगाना है तो उसके लिए आप वॉश टाइम 25 तक बढ़ाएंगे, और 25 के बाद इसके अंदर सोप मोड लगेगा। अगर आपको मशीन में कपड़े भिगोने हैं तो आपका वॉश टाइम मैक्सिमम 25 तक तो रहेगा ही, यानी ये इस मोड की लिमिटेशन है कि आपको 25 मिनट के लिए कपड़ों को धोना ही पड़ेगा और उसके बाद सोप मोड लगेगा। ये देखिए दोस्तों, 25 मिनट वॉश टाइम हो गया और 15 मिनट के लिए कपड़े भीगेंगे। तो ये तीन तरीके से जा सकते हैं आप, 15 मिनट, 25 मिनट और 35 मिनट। तो जितना ज़्यादा मैल है उतने ज़्यादा समय के लिए आप भिगोइए। सो दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन में हम अगर ज़्यादा मैल वाले कपड़े धोने हैं तो 4 मोड इस्तेमाल कर सकते हैं: नॉर्मल मोड, स्ट्रॉन्ग मोड, परिवाश प्लस नॉर्मल मोड और जेंटल मोड। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग मोड उन कपड़ों के लिए यूज होता है जिन्हें निचोड़ने में हमारी मेहनत लगती है, जैसे जीन्स, जैकेट्स और टॉवल्स या फिर चद्दर। जेंटल मोड उन कपड़ों के लिए यूज होता है जो नाजुक होते हैं, जैसे वूलन कपड़े, साड़ी, जॉर्जेट, शिफॉन, सिल्क, जो भी साड़ी हो, किसी भी मटेरियल की बनी हो, सभी साड़ी के लिए, वूलन के लिए, और अंडर गारमेंट्स और सॉक्स। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग मोड यूज होता है उन कपड़ों के लिए जिन्हें निचोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे जीन्स, चादर, तौलिया और जैकेट्स। सो आपके इन कपड़ों में मैल चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपको स्ट्रॉन्ग मोड ही यूज करना है। दूसरा दोस्तों, जेंटल मोड यूज होता है उन कपड़ों के लिए जो काफ़ी नाजुक होते हैं, जैसे वूलन कपड़े, साड़ी, सभी प्रकार की साड़ियाँ, जैसे शिफॉन, जॉर्जेट, सिल्क, और अंडर गारमेंट्स, अंडरवियर, बनियान और सॉक्स। सो दोस्तों, इन कपड़ों में भी चाहे मैल कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो आपको जेंटल मोड ही यूज करना है। सो दोस्तों, तीसरा मोड है नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड आपको इन दो कैटेगरी वाले कपड़ों को छोड़कर बाकी अन्य कपड़ों के लिए यूज करना है। अगर आपके कपड़ों में, धोने वाले कपड़ों में मैल ज़्यादा है तो नॉर्मल मोड अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सोयल लेवल बढ़ा लीजिए, वॉश टाइम भी बढ़ा लीजिए, या फिर सोक मोड लगा लीजिए। लेकिन सोक मोड लगाने की ड्रॉबैक यही है कि आपको मिनिमम 25 मिनट तो धोना ही पड़ेगा कपड़ों को, और उसके बाद 15 मिनट भिगोना पड़ेगा, यानी आपका वॉशिंग टाइम लगभग 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा। और दोस्तों, ये सोक मोड सिर्फ 3 मोड्स के अंदर यूज होता है। वो 3 मोड्स है नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग और एक्वा रिजर्व। अब दोस्तों, बात ये है कि आपको एक्वा रिजर्व मोड शोक मोड होने के बावजूद भी क्या ज़्यादा मैल वाले कपड़ों के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक्वा रिजर्व में मशीन एक बार कपड़ों को धो देगी तो उसमें इसका स्पिन 0 हो जाता है, यानी वो
कपड़ों को निचोड़ेगी नहीं, और जो पानी आपकी वॉशिंग मशीन में भरा हुआ था वो उसको बाहर नहीं फेंकेगी। तो कपड़े धुलते ही आपको बता देगी कि कपड़े निकाल लो, पानी इसके अंदर ही रहेगा, और दोबारा आपके धोने वाले कपड़ों को इसमें डालो, और जो उस पानी में आपने पहली बार जो सर्फ यूज़ किया था आपको दोबारा सर्फ डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर इसी मोड से आप ज़्यादा मैल वाले कपड़े धोएंगे तो एक बार कपड़े धोने के बाद आपका पानी बहुत काला हो जाएगा। सो दूसरी बार आप उस काले पानी में कपड़े धोएंगे तो वो ज़्यादा मैल नहीं निकाल पाएगा। सो दोस्तों, एक्वा रिजर्व मोड में सोक मोड जरूर यूज होता है, यानी भिगोने वाला मोड, लेकिन आपको ज़्यादा मैल वाले कपड़े इस मोड में नहीं धोने चाहिए। सो दोस्तों, ज़्यादा मैल वाले कपड़े धोने के लिए स्ट्रॉन्ग मोड जीन्स, जैकेट्स, चादर और तौलिए के लिए, और जेंटल मोड वुलन अंडरगारमेंट्स, साड़ी और सॉक्स के लिए, और नॉर्मल मोड इनसे अलग कैटेगरी वाले कपड़ों के लिए यूज करना चाहिए। और दोस्तों, चौथा मोड है परिवास प्लस नॉर्मल। ज़्यादा मैल वाले कपड़ों को धोने के लिए परिवास प्लस नॉर्मल मोड सबसे बेहतरीन मोड है, क्योंकि ये मोड नॉर्मल मोड की तरह ही कपड़े धोएगा, लेकिन इसमें 8 मिनट का एक परिवास फंक्शन है। उसके अंदर ये 2 मिनट के लिए कपड़ों को धोएगा, 2 मिनट के लिए भिगोएगा, उसके बाद फिर 2 मिनट के लिए धोएगा और फिर 2 मिनट के लिए भिगोएगा। यानी इसमें टोटल आपके कपड़े 4 मिनट के लिए भिगोए गए हैं और 4 मिनट के लिए परिवास किए गए हैं, और उसके बाद नॉर्मल मोड की तरह ये धोएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल मोड विद सोक मोड यूज करते हैं तो मिनिमम 25 मिनट के लिए तो मशीन कपड़ों को धोएगी और साथ में 15, 25 या फिर 35 मिनट के लिए उसको भिगोएगी। सो आपका जो वॉशिंग टाइम है वो नॉर्मल मोड के साथ सोक मोड यूज करने पर काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल मोड विद परिवास फंक्शन के लिए यूज करोगे तो आपका वॉशिंग टाइम कम होगा। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कम और मध्यम मैल वाले कपड़े धोने के लिए आपको कौन से मोड यूज करने चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर, रिलेटिव और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।